नेक्स्ट पर्सन इज शिखर। हाय भाई, आपसे क्यूनेट के बारे में बात करनी, सो लेट सपोज शिखर, सो लेट चलो शिखर को कॉल करते। हेलो हेलो। शिखर, से बात हो रही मेरी? हाँ जी, अच्छा शिखर, मैं संदीप बोल रहा हूँ, आपका मुझे मेल आया हुआ है शायद से आज रात में। जीमेल मुझे भेजे तो मैंने। हाँ जी बिल्कुल, जी, क्या हेल्प चाहिए आपको शिखर? मैं पूछना चाह रहा था कि क्यूनेट के बारे में, क्योंकि हमने भी इसमें लगाए हैं ना थोड़े से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सही है नहीं है क्या। अरे ठीक है, आप अपना क्योंकि बैकग्राउंड अभी बता मैं सकते हैं, आप कहाँ से हो, तो क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ अभी, आप स्टूडेंट हो, कहाँ से हो? मेरठ से। आप मेरठ से हो, क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? मेरी पॉलिटेक्निक हो चुकी है, और क्या नाम है, आपको बस तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। ठीक है, आपने कितने रुपए में स्टार्ट किया यूनिट? यूनिट इन्होंने बताया था कि वही 4 लाख बताए थे, और क्या नाम है, 60 हम दे चुके हैं। अभी बता रहे थे कि 3 UV वगैरह जनरेट होगा, पता नहीं क्या बता रहे थे। 3 UV। तो तो अभी तक अभी तो वही दिए, आपने अभी तो 60 ही दिए। आपने 60,000 ही दिए हैं अभी तक, स्टार्ट नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी कोई हफ्ते हुआ है करते ठीक है, हुए, कोई प्रोडक्ट आपके नाम पे परचेज हुआ है? आई प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ। अभी तक प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्यूनेट करना चाहिए कि नहीं? क्या आपके दोस्त ने क्या जानकारी दी है आपको? कुछ तो जानकारी दी होगी ना, जिस बेस पे आपने डिसाइड किया कि आपको करना है। ये पापा जी ने करा था वैसे। पापा जी अच्छा। कोई जानने वाली है, मैं मतलब जिनसे बातचीत होती होगी, तो उन्होंने कहा था पापा जी से कि इसमें कर लो। फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, तो कल मैंने डाउट पूछा था कि करना क्या होगा क्या नहीं, तो बता रहे थे थोड़ा सा, मतलब बता तो रहे, मतलब क्लियर सा नहीं है, मतलब कुछ कुछ। ओके ओके। आपके पिताजी करते क्या हैं मेरठ में? हाँ जी, आपके पिताजी मेरठ में क्या करते हैं? पापा जी वैसे बैंक में जॉब पे हैं, यूनिट तो उनकी कलीग ने उनको अप्रोच किया, कितने समय से आपके पिताजी क्यूनेट कर रहे हैं? का बिजनेस तो बता दूं, अभी स्टार्ट करा है, लगभग 7 दिन है, 7-8 माह। पापा जी ने करवाया है, नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ मेरे नाम से। अच्छा, वो गवर्नमेंट बैंक में है क्या? हाँ जी, यस, इसलिए वो अपने नाम से बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, तो उन्होंने आपके नाम से स्टार्ट किया, समझा मैं। देखो सिंपल सा फंडा है, आपको मैं बता देता हूँ। आपके पिताजी को उन्होंने पूरा बताया ना होगा, क्योंकि ये शुरू के 1 महीने बहुत अच्छे से कुछ क्लियर बताते नहीं है साफ साफ। आपके मैं आपको सीधा यहाँ बता रहा हूँ, आपके बंदे यहाँ कौन सी जोड़ने। मर्जरी? तो देखो भाई, बिजनेस बहुत सिंपल है, बंदे जोड़ने हैं। चैन बिजनेस पता है? चैन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम। हाँ थोड़ा बहुत। हाँ एमएलएम क्या होता है? जैसे आप किसी को रेफर करोगे, जैसे आपके पिताजी को किसी ने रेफर किया, राइट? जी, तो आपके पिताजी के नाम पे जो भी प्रोडक्ट लिया जाएगा उसका कुछ कमीशन सामने वाले को जाएगा। यही बिजनेस है, बंदे जोड़ो पैसे कमाओ। आप अपने पिताजी से पूछ लो, आप बंदे जोड़ने के लिए तैयार हो? वही वही तो जानना चाह रहा था मैं कि इनमें कितने बंदे जोड़ने होंगे, बताने भी क्लियर करके। इसका कोई लिमिटेशन नहीं कितने बंदे जोड़ने होंगे। क्या होता है, कई बार आपने मान लो 20 नहीं 20 25 लोगों को जोड़ जोड़ा, पाए। हाँ नहीं जोड़ पाए तो पैसे नहीं बनेंगे, उल्टा जो पैसे लगाए हो उसकी रिकवरी भी नहीं होगी। वही तो डाउट है ना, वही चल रहा है, ये पैसे भी खत्म जो गए। ये पैसे भी खत्म गए, प्लस इनको बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी कुछ खर्चे आगे लगने वाले हैं ना। जैसे किसी इवेंट में जाएंगे तो इवेंट में बिना पैसे के नहीं जा सकते हो, पैसे लगाने अच्छा, पड़ेंगे। मान लो अभी ये कह रहे थे कि, अभी मुझे कह रहे थे कि आप पासपोर्ट अप्लाई कर दो, मलेशिया ले जाएंगे। तो पैसा तो आप ही का लगेगा, वो थोड़े भरेंगे पैसा। हाँ मतलब पैसा हमारे लेंगे फिर भी। एक इंसान का 1.25 लाख रुपए तो जाएगा कम से कम। अच्छा मतलब इवेंट का हमसे लेंगे, इतना पैसा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस इवेंट कराएगा उसका कम से कम 40,000 उसका लेंगे पैसा आपसे। आने जाने का आपका, फ्लाइट का 30-35 या 40,000 हो सकता है, 80,000। होटल का 20 से 25,000 लेंगे, 1,05,000। कम से कम 20,000 जाओगे तो साथ में कुछ तो कैरी करोगे अपने कैश में, तो कन्वर्ट करवा के लेके जाओगे। तो ये 1.25 लाख रुपए एक पैसे एक जन का जाएगा, वो पैसा आप ही दोगे। प्लस उसके बाद अगर इनका डेली मिलने का एक जगह भी डिसाइडेड होता है, वेन्यू, अब वहां पे भी जाओगे डेली मिलने तो ट्रेवलिंग का तो खर्चा जाएगा ना, ऑटो का आने जाने का। हर सुबह हर संडे को इनका ट्रेनिंग होता है सिस्टम नाम से, सुबह में सिस्टम 200 रुपये। सिस्टम सिस्टम बताते रहे, बस सिस्टम ही सिस्टम बताओ जाए हाँ, यार। तो उसके भी 200 रुपये हर संडे के जाएंगे, पैसे तो जाते ही रहेंगे आपके जेब, क्योंकि ये लोग एक जगह बुक करते हैं, उस जगह पे कम से कम 50 से 100 लोग आते हैं, जहां पे एक स्पीकर आता है, वो स्पीकर स्पीच देता है, मतलब बातें करता है, सक्सेस स्टोरी बताता है, बिजनेस कैसे करना है, सारी चीजें शेयर शेयर करता है कि उसने कैसे बिजनेस में तरक्की की। तो अब 100 लोग जाते हैं, उस वेन्यू का खर्चा तो लगेगा ना, किसी का हॉल बुक करोगे 100 लोगों के बैठने का, तो उसका पैसा ये थोड़े भरते हैं, उसका पैसा जो 100 लोग होते हैं उन्हीं से 200-200 रुपए लेके जमा करके देते हैं हॉल का खर्चा। कोई तुम्हारे साथ तभी जुड़ेगा ना जब उसको दिखेगा यार ये बंदा कमा रहा है, तरक्की कर रहा वही तो डाउट है, जब तक बंदे नहीं जुड़ेंगे और जब तक कमाई कैसे है। होगी। हाँ, कमाई नहीं होगी, और बंदे तभी जुड़ेंगे जब देखेंगे आपके पापा जी कमा रहे हैं अच्छा खासा, तभी। तो उसके लिए आपके पापा जी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेने पड़ेंगे, अच्छी घड़ी लेनी पड़ेगी, आईफोन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिखावा तो करना पड़ेगा ना, देखो मैं तरक्की कर रहा हूँ। दिखावा करोगे तो लोग जुड़ेंगे, तो उसके भी खर्चे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे शिखर के कंसर्न, मैंने शिखर को आंसर कर दिया है।
अब सीखा और सीखा के पापा पे डिपेंड करता है आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। एटलीस्ट मुझे जो कॉल करेगा एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस में करना क्या है। अगले पर्सन है रोमंती पांडे, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेंजर पे पिंग किया था, फाइनली लेट्स टॉक टू हर, कैसे हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, उन्होंने फरवरी मंथ में मुझे एक सीनेट के बारे में बताया था, लेकिन पूरा कुछ नहीं बताया था। और फिर मैं तो 15-20 हजार तक में जॉब करती हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बैंक से लोन ले लो तो फिर काम हो जाएगा, जून महीने में तो आपका पैसा पूरा भर जाएगा ऐसा करके। तो फिर उन्होंने मुझे 3.5 लाख की ओडी दिलवाई बैंक से और बोला हम लोग काम कर लेंगे ये सब है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर अब क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था और मुझे अभी प्रोडक्ट भी परचेस होने हो गई है। और अब मुझे पता चल रहा है, उन लोगों को मैं बार बार बोलती थी काम क्या करना काम क्या करना, तो बोल रहे हैं कि नहीं प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना है ऐसा करके। तो इतने महीने हो गए तो इसका कोई तोड़ निकल सकता है कि नहीं। रोमंती आप कहाँ से हो? मैं गोधरा से हूँ। क्या कहा आप गुजरात से हो? मेरे जैसे मेरे साथ दो लोग भी ऐसे हैं जिनको मेरे उन्होंने ही करवाया था, लेकिन मेरा डीआर बनाया हुआ है उन दोनों का, आपके डाउन आपके नीचे डाला हुआ है। हाँ ऐसा हो गया। तो आपका कुछ पैसे बने थे अगर आपके नीचे डाले हैं उन्होंने तो? हाँ उन्होंने मेरा बने देखो 50-50 हजार मुझे मिले नहीं है। उन्होंने दिया क्यों नहीं आपको, आपने सवाल पूछा? मैंने पूछा तो बोल रहा है कि अभी एटीएम कार्ड जैसा आएगा ना फिर तुम ले सकती हो ऐसा वैसा बोल रहा है, लेकिन जून जुलाई महीना आ गया आपका। ठीक है, आपने ये पैसे किस तारीख को किस महीने में ट्रांसफर किए थे रोमंती? फरवरी मंथ में। इन्होंने प्रोडक्ट का परचेज किया आपका? प्रोडक्ट उन्होंने मुझे नहीं पता, उन्होंने सब किया था। अच्छा आपको अपने क्यूनेट का पोर्टल का जो आपका पोर्टल है क्यूनेट का उसका आईडी पासवर्ड है आपके पास? आईडी पासवर्ड है मेरे पास सब कुछ। आपने लॉग इन करके अपना प्रोडक्ट चेक किया आपके नाम पे क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा गया है? नहीं मैंने वो देखा ही नहीं क्योंकि मेरे अंदर क्यूरेट ओपन ही नहीं हो रहा है। आपके अंदर ओपन नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी आप कहाँ ऑफिस में हो, कहाँ हो? नहीं ऑफिस में हो गए अभी। आप घर पे पहुंचो तो आज अगर घर पे पहुंचते हो प्लीज कॉल मी, जूम कॉल पे कनेक्ट करके स्क्रीन शेयर के मैं आपको आप अपने अकाउंट में लॉगिन करो, मैं आपकी सारी चीजें दिखाता हूँ और पैसे कैसे निकालने 50,000 मैं वो भी बताता हूँ। आपके टोटल कितने रुपए अब तक जा चुके हैं? 3,40,000 मेरे हैं और मेरे दो फ्रेंड है उसके 3,40,000। उन्होंने कितने में स्टार्ट किया था? बात करते हैं ना, नहीं अब हम उन लोगों से बात करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास तो क्लोजिंग मीटिंग का प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ, आपको जो करना है वो कर लो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ क्योंकि उन्होंने अब आपका हर जगह सिग्नेचर ले लिया है ना, इसलिए अब वो लोग थोड़ा शाणे बन रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने हमें 2 महीने तक तो ऐसा भी नहीं बोला था कि काम ये करना है और ये भी नहीं बोला था कि रिफंड हो सकता है ऐसा। हाँ वो किसी को नहीं बताते हैं, वो किसी को भी नहीं बताते। गलत तो वही है ना, फिर तो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जो कर रहा है वो कर लो। देखो वो ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट में आके डराते हैं, कॉन्फिडेंस में आके हमको फर्क नहीं पड़ता है, इससे क्या होता है हम पीछे हट जाते हैं यार कि हम ही कहीं ना कहीं गलत है, उनके पास सारे प्रूफ है। बट आप पुलिस कंप्लेन करते हो तो पुलिस आपकी सुनती है। आप अपने दोनों फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाओगे आपका काम होगा, पुलिस करके देगी। पर मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ में नहीं रहती हूँ। उन लोगों को पहले से ही पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं। तो फिर उन लोगों ने मुझे से बैंक से लोन दिलवाया था, उनको पता था कि मेरा कोई नहीं, अगर मैं नहीं भर पाई तो मैं क्या करूंगी। रोमंती हाउ क्रूएल दे यार, यार अगर आप सिंगल मदर हो, आप 15,000 कमाती हो, बच्चे भी पाल रहे हो, आपका तो ईएमआई भी 8-10 हजार रुपए के आसपास जाता हूँ। आपने अपने सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट रिसीव कर लिए हैं जो भी इन्होंने आपके नाम पे ऑर्डर किए थे? हाँ वो सब प्रोडक्ट आ गए। आपने खोले हैं उन प्रोडक्ट को? खोला है आपने? मैंने तोड़ा है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हमें वीडियो भेज के देखो इसकी वजह से तोड़ा है, लेकिन वैसे तो वैसा ही रख लिया है बाद में। ठीक है देखो कैंसलेशन पीरियड चला गया, अब मेहनत करना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख दो, मैं आपको चारों प्रोसेस बता दे रहा हूँ। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करना है, ट्रायल में कंप्लेन करना है, पुलिस कंप्लेन तो करना ही करना है और अपने दोनों दोस्तों के साथ ले जाके कंप्लेन करना है। तीसरा चीज, चौथा चीज, क्यूनेट इंटीग्रिटी में मेल डालना है। मेल कैसे डालना है कि आप उनको कैसे जानते हो, उनका नाम क्या है उन लोगों का, उन्होंने आपको बिजनेस क्या बोल के स्टार्ट करवाया है। हाँ मुझे प्रोजेक्ट बोल के स्टार्ट करवाया था, तो प्रोजेक्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ प्रोजेक्ट बोल के स्टार्ट कराया, मुझे रिफंड के बारे में नहीं बताया। हमने उनको कितनी बार बोला था एमवे जैसा है आगे पीछे यही किसी को जोड़ना है ऐसा सब कुछ हमने पूछा था, लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं बताया था। ऐसा बोला था आप करो हमें सिखाएंगे हम सिखाएंगे ऐसा बोल बोलते, अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है कि हम बोल रहे हैं वैसा तो आप काम नहीं कर रहे, फिर पैसे कैसे मिलेंगे। आप कैसे जानती हैं जिसने आपको फंसाया? मेरी मेरी क्लासमेट थी वो जो थी ना वो। ठीक है चलिए ठीक, लेकिन आप मुझे प्लीज हेल्प करना इसमें कुछ भी। नो 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 रोमंती आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो, मैं आपको पूरा सपोर्ट, मुझे जितना पता है मैं उतना आपका पूरा हेल्प करूंगा। चल चल बाय। हेलो हेलो संदीप बात कर रहे हैं जी, कौन? मैं आपने कॉल किया था मुझसे, आपका मेल मैंने जीमेल में भेजा, इसके लिए कॉल कर। प्लीज आप अपना नाम फिर से बताएंगे? जिंसी,
जोहाना के नाम से मिला। जोहाना, राइट राइट राइट, हाँ जी जोहाना बोलिए। एक्चुअली मैंने ये देखा आपका वीडियो और फिर पता चला कि इसके बारे में आपको पता है और मैंने रिफंड भी डाला है, बट मेरे को पता नहीं वो मिलेगा अभी की नहीं। वेट, आपका ये रिफंड का मेल कब डाला है आपने? रिफंड का मैंने कल डाला है, कल देखा मैंने आपका वीडियो, तो पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए इन लोग अभी इसके बाद कुछ फॉलो अप कर रहे हैं, एक्चुअली इन लोग का कॉल आ रहा है, बहुत अलग अलग नंबर से भी कॉल आ रहा है, आप इसलिए मैं उठा नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, ये आपको बुला रहे होंगे राइट, पीओए? हाँ, जी। आपको आपने जैसे मेल में लिखा है जो है ना, हाँ जिसे आपने जैसे मेल में लिखा है कि 29th को आपका प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया हुआ है, जी जी, एंड आईएसपी प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, बराबर ठीक है। 20 इन्होंने वर्ल्ड पोर्टल पे आपका परचेजिंग किया है? हाँ वर्ल्ड पोर्टल पे किया है। तो मतलब मैं आपको ये एक मिनट बता देती हूँ, 6 तारीख मतलब लास्ट था। क्या प्रोडक्ट है, आपको कुछ आइडिया है आपके नाम पे? ये कुछ ट्रिप सेवर करके कुछ है। ट्रिप सेवर, आपने कोई सिस्टम अटेंड किया है इनका संडे का? संडे का नहीं किया, बट उनका जो वेलकम सेशन था वो अटेंड किया, उन्होंने 7 बुक दिया था पढ़ने के लिए, वो बैठ के पढ़ रही थी। जिनसी आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से। मुंबई? मुंबई में कहाँ से? अंधेरी। अंधेरी में। और आपने फिजिकल इंटरव्यू दिया था या जूम पे इंटरव्यू हुआ था आपका? सॉरी नहीं, मैं यहीं पे आई थी, मैं उनको मेरी फ्रेंड ने बोला था। नाम क्या है आपके फ्रेंड का? नताशा। ओके, आपका मीटअप मीटिंग किसने लिया था या फिर वेलकम किस अप्लाई ने लिया था, सीनियर पार्टनर ने, नाम याद है कुछ? हाँ मयूरी नाम है उनका, मयूरी खानवाले। मेरे को पूरा नाम नहीं पता, बट हाँ मयूरी और प्रशिक करके दो जन, प्रशिक जैन, हाँ हो सकता है। उन लोग उसने बोला कि प्रतीक वो इंदौर से है और ये जो नाम है मयूरी है पुणे से है। जिनसी आप ना 2 दिन अभी मतलब आप ही के टीम में शायद, फिर आप इसको भी शिव तनवने को भी जानते होंगे, वो आपके साथ उसका वेलकम हुआ होगा शिव का। अच्छा ओके। एक लड़का था उसने भी लाइक 29 या 30 को उसका भी साइन अप हुआ था, मयूरी ने ही लिया था वेलकम, उस वेलकम में आप भी हो गए, एंड उसका भी मैंने रिसेंटली कैंसिलेशन 3 दिन पहले ही डलवाया है। अच्छा ओके ओके ओके। तो उसका तो 7 दिन से पहले मैंने कैंसिलेशन डलवा दिया है, ठीक है। आप फिर भी अपना कैंसिलेशन मेल आपने तो डाल ही दिया, राइट? जी जी डाल दिया है, मैंने आपको मेरा जो परचेज है ना उसका रिसीप्ट भेजा है। आपके रेफरल का नाम क्या है जिनसी? नताशा। नताशा ने आपको रेफर किया है, प्रॉपर आपका सिग्नेचर भी ले लिया एक्नॉलेजमेंट पे। और दूसरा इन्होंने एक नोटरी साइन करवाया था, वो तो कुछ नहीं होता, वो उसका नथिंग। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ये लाइसेंस खरीदना था, इसके लिए 4 लाख देना है करके, 4,20,000। बट फिर उन लोग ने मेरे को टाइम ही नहीं दिया वो पढ़ने के लिए कि उन लोग ने क्या क्या खरीदा है और क्या किया है। और उसके बाद उन्होंने फिर कंटिन्यूसली बहुत बिजी रखा कि वो बुक पढ़ो, ये लिखो, ये करो। और फिर जब उन्होंने एक और मेरे को वीडियो दिखाया लास्ट में कि आपको अप्लायंस ऐसे बात करना है कि उनको ड्रीम बिग करना है और उनसे ऐसे बात कर, तब मेरे को क्लिक हो रहा है कि ये कुछ गलत जा रहा है। मैं उसके पहले भी बात की इन लोग से, इन लोग ने बोला किसी और से बात नहीं करना, उनके अपलायंस से ही बात करना, बाहर किसी से डिस्कस नहीं करना सब करके। तो मैं पूछ नहीं रही थी और मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मैंने देखी भी नहीं कि ये स्कैम है भी नहीं। इट्स ओके, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मयूरी मेरी क्रॉस लाइन है, मयूरी ने बिजनेस मुझसे 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। ओके ओके। सो मयूरी की अपलाइन है, अभी परीक्षित ने ही एक बंदे को रेफर किया था, उसका नाम शिव तनवने है। ओके वो शायद आपके साथ, क्या होता है ना सारे नए लोगों का एक साथ वेलकम लेते हैं। हाँ, मेल, हाँ, साथ में हुआ था। तो वहां पे हम इतना एक दूसरे को जानते नहीं, इसलिए आप जानते नहीं होंगे, बट वो आपके साइड में बैठा होगा। 3 दिन पहले मैंने उसका उसका तो उसके नाम पे परचेजिंग हो चुकी थी, बट उसने हॉट किया था अपने मम्मी डैडी का। ओ, तो 2 लाख डाला रहेगा? 2 लाख डाला था उसका, मैंने वो रिफंड के लिए मेल डलवा दिया, उसको अप्रूवल भी आ गया, बाकी उसके 4 लाख तो गए जो उसने अपने नाम पे किया। बराबर, ओके ओके ओके, ठीक है। सो आई नो देयर प्रोसेस, अब वो आपको कंटिन्यूअसली कॉल करेंगे जब तक आपसे बात नहीं होगी। आपका घर उनमें से किसी को पता है? क्योंकि वो इतने कल आई थी, कल मेरी फ्रेंड घर आई थी। हाँ, ये लोग भेज देते हैं, जाओ घर पे जाओ, बात करो, उसको कंफर्टेबल फील करवाओ करके। बराबर, हाँ हाँ हाँ। एंड ऑल ऑफ सडन वो आपके बहुत बड़े वेलविशर हो जाते हैं, खाना पीना सब पूछने लगते हैं, खाना खाया है नॉन। हाँ हाँ, वो कॉल भी की, वो बोली मैं बहुत परेशान हो गई थी तो फोन नहीं उठा रही है। तो वो आ गई घर पे और मम्मी अकेले थी। तो मैंने बोला कि दरवाजा मत खोल, बाद में देखते हैं, मैं बात करती हूँ उससे। फिर मैंने उसको बोला मैं कांदेवली जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मैं कॉल करती हूँ। तो बोली ठीक है कॉल कर, मैं बहुत परेशान हूँ ऐसे सब कर। हाँ वही उनको है कि वो अब आपको जोड़, आपको ऐड कर लिया, तो अब क्या है आपको ब्रेन वॉश करके अपने जैसा बना देंगे, तो आप जब और लोगों को ऐड करोगे तो उनके पैसे बनेंगे ना, पैसे आएंगे। हाँ बराबर, उन्होंने आप नाम ही लिखने बोल रहे थे और मैं जिनका भी नाम लिख रही थी और जिनको भी जानती हूँ बहुत ही परेशान लोग है, मतलब उन लोगों को बोल देंगे ना, उन लोग ऐड भी हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है ना, दिस इज रॉन्ग।
दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टू डू इट. और देन मैं जब ढूंढने गई तो पता चला ये बहुत स्कैम है, सिर्फ मेरा एक फ्रेंड ने आपका वीडियो शेयर किया. तो मैंने आपका वीडियो देखा और फिर मैं आपने जो भी बोला बराबर वैसे उन लोग ने भी बोला कि वो डिवाइड करके स्मॉल बिजनेस बिग बिजनेस इन्वेस्टर ये सब बता के उन्होंने ये सब बोला. और उन्होंने बोला कि आपको किसी को पूछना नहीं है तो फिर आप जल्दी लोन करा दो. और लोन 3 दिन लगेगा करके वो बंदे ने बोला था. इन्होंने कैसे भी करके उसको पोस्ट करके 1 दिन में लोन करा. सुपर्ब, क्या लोग है. तो मैंने इनके साथ बहुत क्लोजली 4 से 4.5 साल काम किया, सो आई नो एवरी बिट ऑफ देयर स्टेप. बराबर, हाँ, या 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 ठीक है. मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन से था, मयूरी के अपने स्वाति हैं, रवि मिश्रा. आपको सचिन सचिन गुप्ता का वीडियो मिला था देखने के लिए 1 हफ्ते के टाइम में? हाँ, मिला था, मिला था. कविता सुगंध का वीडियो मिला होगा एंड ऑल, बहुत सारे. हाँ, उनका मिला, वो कविता का कोई तक ये मिला. फिर उनका वो जो वीपी है ना, वो पद्म सेनाथी राजू, पद्म का वीडियो मिला. वेडनेसडे वीडियो भी आता है उसका. हाँ, वो भी आया. आई नो, ठीक है, नो इश्यूज. आपने कैंसिलेशन मेल डाल दिया है, आप जितने जल्दी हो सकते हो. आप मतलब कैसा है, फैमिलियर हो आप, अपने पैसे कितने रुपए डाले आपने? मैंने 4,20,000 डाला है. आप अब एक बात सिर्फ मैं कंफर्म करूंगा, पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो कंप्लेन करने के लिए? करने के लिए रेडी हूँ मैं. गो फॉर दैट. गो फॉर दैट. सेकेंड, आपको पता होगा ट्राई में भी, ट्राई करके टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से. अच्छा. कंज्यूमर को कोई इशू होता है तो वो सोल्यूशन सॉल्व करवाते हैं, या उनके साथ कोई ठगी होती है तो वो थोड़ा इंटरफेयर करते हैं. तीसरा है कंज्यूमर फोरम. ओके. ये दोनों पे आप ऑनलाइन अपने फ्रेंड की हेल्प लेके ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं इन दोनों के पे, ठीक है? अच्छा, ओके. चौथा है क्यूनेट इंटीग्रिटी का एक ईमेल आईडी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ. ओके, ठीक है. उस क्यूनेट इंटीग्रिटी के ईमेल आईडी पे आपके साथ स्टार्ट से कैसे आपको अप्रोच किया गया, क्या क्या फेक प्रॉमिसेस किए गए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या डिफरेंट पाया आपने, आप सब कुछ उस पे लिख के भेजो. क्यूनेट एक इंटरनल टीम बैठाती है फिर. ओके, ठीक है. वो इंटरनल टीम इंक्वायरी करती है कि क्या इस पर्सन के साथ सच में ठगी हुई है, फेक प्रॉमिसेस हुए हैं क्या. तो अगर पकड़ लेती है तो क्या करेगी वो, आपको अप्लाई को और आपके रेफरल को दोनों का IR/ID टर्मिनेट कर देती है क्यूनेट. अच्छा अच्छा, ओके ओके. बट अब कैंसिलेशन पीरियड निकल चुका है ना जिनसी, तो थोड़ा सा ना पेशेंटली 3 से 4 महीने का होल्ड अप करके वेट करना पड़ेगा इन सारी प्रोसेस में. ओके ओके, ठीक है ठीक है. बट ऑप्शन भी FC, ये हमारे वेल विशर बन के हमारी इतनी बड़ी काट लेते हैं तो हम बिना हम एक्शन ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? बराबर, करेक्ट. ठीक है, आप ट्राई करो. इन बिटवीन कोई भी आपको हेल्प लगती है तो जस्ट टेल मी, आई विल बी देयर. हां, श्योर श्योर श्योर. मेरे काम की वजह से और मैं इसके लिए आई थी यहां पे. तो अभी मेरे को 1 हफ्ते में वापस जाना है, तो ये सब मैं ऑनलाइन करूंगी तो पता नहीं कितना इम्पैक्ट होगा. एटलीस्ट देखो, कंज्यूमर फोरम और ट्राई में तो आप ऑनलाइन कर दो. अच्छा, ओके ओके ओके. हाँ, इनके तो ये पुणे में भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती है, ऐसे काम करती है. हाँ, ये लोग ट्रैवल, सी इनको ये एक टाइम होता है ना कि जब आप रेफर कर करके आपकी टीम लेट सपोज बढ़ जाती है. हाँ. जिनसे आपने 10-15 लोगों को रेफर किया और फिर उन्होंने भी रेफर करके आपकी टीम 100 या 150 हो गई. तो अब आप भी आप अपलाइन बन चुके हो. अब आप रेफर करना बंद कर देते हो, अब आप टीम हैंडलिंग करना स्टार्ट करते हो. टीम हैंडलिंग कैसे, जब कोई नया बंदा ज्वाइन होगा आपके टीम में तो आप उसको समझाते हो कि देखिए बिजनेस कितना फायदेमंद है, बाहर की दुनिया में कितनी निगेटिविटी है, वही जो आपके साथ आपकी अप्लाइन कर रही है. हाँ, वही जो बताया. तो यही टास्क, एक टाइम के बाद सिर्फ ज्ञान देने का टास्क रह जाता है. ओके ओके ओके. जैसे जैसे टीम बढ़ती है पैसे अप्लाइन कमाते चले जाते हैं. ओके ओके. लाख में से कोई एक बंदा करोड़पति बनता है, सक्सेस रेशियो है लेकिन बहुत कम है. राइट राइट राइट. बट बहुत से लोग जो दोज आर नॉट ओके टू रेफर, मैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करता. बराबर, हाँ, ठीक है ठीक है. क्योंकि आपको आपकी रेफरल ने आपको रेफर करने के लिए बहुत पापड़ बेले, तब जाके आपको उसने साइन अप किया है. बराबर बराबर. तो आपको इतनी आसानी से वो नेगेटिव होने नहीं देगी, इसलिए वो आपको हालचाल वेल विशर सब बनेगी, आपकी बहन भी बन जाएगी, सिस्टर भी बन जाएगी वो धीरे धीरे. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. सो दैट्स ऑल. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको चालू प्रोसेस भेज देता हूँ, फिर कंप्लेन करते हैं. गाइस, आप देख रहे हो पूरा दिन निकल चुका है मेरा, मैं सुबह से बैठा था आज लोगों की हेल्प करने, क्योंकि इतने ओवरलोड हो चुके थे मैसेज, मैसेंजर पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेजेस एंड ऑल, ईमेल्स पे. अब मैं लोगों की हेल्प ना करूं तो भी मुझे फील होगा क्या कि लोग फंसे और मैं उनकी हेल्प नहीं करूं. आई विल फील सो बैड गाइस. इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, इतना ज्यादा भी हो गया है ना, सुबह से कॉल कम से कम 40 से 50 लोगों से बात कर चुका हूँ, कुछ ही देर में रात होने वाली है, अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है सबसे बात करके. हे फ्रेंड्स, सॉरी आज मैं जिनको भी कॉल नहीं कर पाया, जिन्होंने भी व्हाट्सएप मेल किया है, कल आपको पक्का कॉल आ जाएगा.